हमने तो टूट करके ही मुस्कराना सीखा है, हमने तो टूट करके ही मुस्कराना सीखा है, बहुत खूबसूरती से अपने गम को छुपाना सीखा है। दुनिया समझती है हमें दर्द नहीं होता, वो क्या जाने कि हमने पत्थरों से सर टकराना सीखा है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक झांसी की जानी मानी ब्यूटी गुरु यानी ब्यूटिशियन से, जो बुंदेलखंड को सजाने में लगी हुई है 25 वर्षों से लगभग। चलिए मिलते हैं उषा सचान जी से। नमस्कार उषा जी। नमस्कार। नमस्कार उषा जी। जैसे हमने उल्लेख किया कि आप बुंदेलखंड को सजाने में आपकी बड़ी महती भूमिका है, तो आप हमें बताएं कि आपकी यात्रा शुरू कब से हुई, और मुझे परिचय के दौरान आप ये भी बताएं कि कहाँ की रहने वाली हैं। मेरा नाम उषा सचान है और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल भी वही है, मेरा मायका भी वही है, और मुझे ब्यूटी लाइन की फील्ड में हमारा 1997 से मैं ब्यूटी लाइन रन कर रही हूँ। आप हमारी झांसी में कैसे आए, क्योंकि आपने बताया मायका भी कानपुर, ससुराल भी मायका वही। हमारा ऐसे हुआ ना, मेरे हस्बैंड दरअसल यहाँ टीचिंग के लिए आए होंगे, उसके बाद जब यहाँ पे आए तो अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस के बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैं भी यहीं पे आ गई और हमारा सेटअप भी पूरा हो गया, तो मैं अब झांसी की वासी हो गई। अच्छा, हमारे झांसी का पानी आपको लग गया। लग गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। उषा जी, आपके जो ब्यूटी का जो क्षेत्र है वो बहुत बृहद है, पूरे बुंदेलखंड में आपका नाम जाना माना जाता है जी। तो हम चाहेंगे आप हमें बताएं शुरू से कि आप इस फील्ड में प्रवेश कैसे किया आपने। इस फील्ड में मुझे दरअसल शौक बहुत था, सिलाई बुनाई कढ़ाई और ये सजाने का, सजने का भी बहुत शौक था कि मैं बहुत अच्छे से रहूं, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक था कि तुम बिस्तर सूटो तो कंघी करो ये सब। तो मैंने जब सीखा ना तो सीख तो लिया जैसे तैसे, बट उसके बाद जब मैं पार्लर खोलने की जब मेरी बारी आई तो पार्लर खुलाने के लिए नाम पे तो ये लोग हमारे घर के मेंबर्स जो है ना बहुत चिढ़ गए, कस के बोले यहाँ पे जो है ना सब काम करना बट नौवा गिरी आप नहीं करेंगी। अच्छा, वो दौर ऐसा भी था कि वहाँ इतना पार्लर का समय चलन भी नहीं था। हाँ, चलन नहीं था, लेकिन धीरे 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 हम ही लोग चलन को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो उनको नॉलेज देते हैं कि इस काम को करेंगे तो हमारा ऐसा होगा, बाल हमारा। सबसे पहले आपने कहाँ खोला? सबसे पहले मेरा बहुत छोटा सा पार्लर था मेरा, बाबूलाल कारखाने वाले गली में। किस नाम से? तो हनी, हनी के नाम पे ही था, हनी ब्यूटी पार्लर था पहले, एकेडमी नहीं चलाती थी, मेरा पार्लर था। तो मैं जब स्टार्टिंग हुआ तो लोग ने हमारे घर पे नहीं खुला रहे थे, बड़ी मुश्किल से मेरा पार्लर खुला। मेरे हस्बैंड भी एंटीक हो गए, मेरे ससुर जी भी हो गए, बोले साहब काम करना बहू, लेकिन ये तुम जो है ना नौवागिरी मत करना। तो मैं बोली भी, मैंने कहा पिताजी ये नौवागिरी नहीं होता है, और नौवागिरी तो वो होता है जैसे बाल काटता है, मैं तो स्किन का ट्रीटमेंट भी करूंगी, मैं सीख के आई हूँ। बोले नहीं नहीं, ये हमारे उसमें जो है ना ठाकुरवाद में बिल्कुल नहीं चलता, हमारे यहाँ ये करोगी तो हम लोग नाक कट जाएगी, तुम बाल काटो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये चीज। तो फिर धीरे धीरे जैसे तैसे हमारे हस्बैंड भी गुस्सा हो गए कि मतलब पार्लर का ये काम नहीं करना। गुस्से में ही उन्होंने जो है ना, गुस्से में पैसा मिला एडवांस देने के लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप मैंने पैसा दबा के एडवांस दे करके उनको वहां पार्लर खोलने के लिए मैं पहुंची। और धीरे धीरे जब मेरा पार्लर खुल गया, पार्लर बना फिर खुला, और खुलने के बाद में लगा कि यार ये तो लगता हमने गलत कर दिया, ऐसो आराम की जिंदगी मेरी, और यहाँ 10-10 रुपए भी नहीं आता, दिन भर से बैठ रहती हूँ, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी जब जब मैंने पार्लर डाला है जिस दौरान। तो फिर धीरे धीरे बनाया कि नहीं हमें चलाना ही है पार्लर, चाहे जैसे भी अपना शो भी चले जाते थे। ठान लिया आपने? ठान लिया कि पार्लर तो हम चला के ही मानेंगे। और जिस प्लेस में मैंने पार्लर डाला था उस समय का जो दौर था ना, तो मुझे ज्यादा मतलब बोलना भी नहीं आता था कि कैसे लोगों को बोले, शर्म लगती थी कि बोलेंगे पैसे की लालच में ये मेरे से बात कर रही है, तो डर के मारे बात भी नहीं कर पाती थी, मतलब बहुत सारी चीजों से फेस किया मैंने उस चीज को। तो मैंने छोटे स्तर से व्यवहार बना करके लोगों से, जब उन्होंने बोला कि वो नहीं वो बहुत अच्छी हैं, आप जाओ ये काम कराओ, अच्छा काम करो, एक महिला दूसरे से धीरे 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 जा करके उन्होंने जो है ना हमारा प्रचार ऐसे हुआ। और भगवान की दया से 6 महीने बाद हमें शख्सियत वहां से मिलने लगी, और उस प्लेस में मैंने 5-6 साल के करीब मैंने पार्लर चलाया। उसके बाद आकर के मैंने फिर अपना बड़ा पार्लर बनाया कि जब वहाँ पे क्लाइंटेज नहीं आने लगा। ये कहाँ बनाया आपने?
ये मैंने तहसील में फिर बनाया, तहसील में मेरा रेजिडेंस ऊपर था और नीचे मैंने पार्लर बनाया। जब यहाँ पे भी पार्लर बनाया तो यहाँ पे भी बहुत फेस किया कि और भी भाई पार्लर थे और मैं एकदम नया काम, कंपटीशन तो, लेकिन मेरा मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस था, मेरी गुरु जो है उन्नति सिंह, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा जितना भी ट्रेनिंग है सारा एजुकेटेड है, तुम बिल्कुल मत डरो, डर के कोई जीना नहीं है तुमको, अच्छे से काम करो, तुम्हारा काम बोलेगा, किसी की बात पे मत आना। तो मैंने धीरे धीरे अपने काम को यहाँ पे बढ़ाया। और अच्छा उषा जी, आपने ब्यूटी पार्लर यानी इससे संबंधित जो शिक्षा दीक्षा ली वो झांसी में किन से ली? पहले स्टार्टिंग मैंने 97 में चार्ली ब्यूटी पार्लर यहाँ था, अब तो आंटी ने वाइंड अप कर दिया, तो उनके पास मैंने छोटा सा ट्रेनिंग जो था स्टार्टिंग के दौरान तो वो लिया। उसके बाद मैं फिर ट्रेनिंग लेने फिर इंदौर 2003 में इंदौर पहुंची। इंदौर में जब उन्नति सिंह जो हमारी गुरु हैं उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग के दौरान जब हमें एजुकेटेड ट्रेनिंग मिला तो उसके बाद से फिर मेरे पार्लर में चार चांद लगने लगे। जी आपके, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि पार्लर में बहुत सारी महिलाएं आपके पास आती होंगी जी, और किसी पार्लर वाली मैडम से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बहुत सारी महिलाएं काम तो कराना चाहती हैं लेकिन उनको उनके वो पता नहीं होते कि उन्हें कराना क्या है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, बोली एक बार एक महिला आई, बोली हमको भौवें नचवानी है, तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ? भौवें नचवाना तो क्या हुआ कि अब एजुकेटेड हो गए हैं, गांव के लोग भी काफी लोग जान गए हैं, बट जो नया टेक्नोलॉजी में काम आ गए हैं ना तो वो नहीं जानते, नाम नहीं जानते। कलर हेयर कलर के लिए बोलेंगे कि हमारे बाल रंगवाने हैं हमें गोल्डन कलर के, जैसे जो नहीं जानती है। अच्छा अच्छा उनकी भावनाओं को हम लोग समझते हैं, बट जैसे एक दो बार आते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसको इस चीज को ऐसे बोलते हैं। अब अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, गाँव के लोग भी काफी एजुकेटेड हो गए हैं कि लोग जानने लगे हैं। कभी आपके पास ऐसी कोई महिला आई हो बहुत उम्र दराज हो और वो कहने आपसे बोली हो कि हमको सजा दो, ये अलग बात है कि वो उस उम्र की मांग सजने की ना हो? हाँ ऐसी महिलाएं हमारे पास हैं, और कि इतना ज्यादा एज हो गया है, मतलब ये सोचिए 70s का है, बट उषा तुम ही आओगी, मेरा बाल काटना है तुमको तो, और वैक्स कराना है, पता लगता है कि रिंकल्स इतना ज्यादा है और उनको वैक्स शौक है उनके, तो उनको भी हम लोग है ना बड़े अच्छे से, और उनके लिए जो 60 years ओल्ड महिला जो होती है उनको हम लोग 50% डिस्काउंट भी करते हैं। अच्छा सीनियर सिटीजन का? बिल्कुल सीनियर सिटीजन को मैं 50% डिस्काउंट, ब्यूटीफुल देती है, यस डिस्काउंट ब्यूटीफुल रहती है, तो ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको शौक है तो वो काम कराते हैं। उषा जी आपके और क्या क्या शौक है? मुझे पार्लर के अलावा मुझे वैसे सजना संवरना मुझे बहुत मेरे शौक हैं, बाकी वो तुम्हारे दस्त देख रहे हैं और संगीत का मुझे बेहद शौक है, थोड़ा थोड़ा घूमने का भी शौक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है, सुनने का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को खाना बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे यहाँ आए और हम खाना खिलाएं। तो अगर ये बात की जाए तो ऐसा क्या है जो खास जो आप बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हैं? मैं खाने में तो मैं मुझे कुछ भी आप बोलो कि ये मुझे डिमांड करो मैं बना लेती हूँ हर चीज। मांगो पूर्ति के सिद्धांत से हो जाता है बिल्कुल जो भी डिमांड आता है, जैसे दाल वाफले हैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और पनीर लोग बना कहते हैं कि मैं तो होटल में ऐसा नहीं खाया जैसा आप बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और ऑन डिमांड अगर कोई कहता है तो मुझे ये खाना है उसको मिलता है मैं बना लेती हूँ। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था नवगढ़ी जी, आज जब आप स्थापित हैं वर्षों से आप नाम भी कमा रही हैं, धन भी कमा रही हैं, सब कुछ आपके अनुकूल है जी, तो आज उन लोगों की अब क्या प्रतिक्रिया है आपके ससुर या आपके पति देव की? पिताजी तो हमारे अभी कुछ टाइम पहले नहीं रहे और माँ भी चली गई, लेकिन इसके पहले उन्होंने देख लिया मेरा कितना अच्छा हमने नाम जब कमाया तो उनको बड़ा प्राउडफुल, मतलब इतना प्राउड होता था, वो कहते थे कि मेरी बहू है ना वो पार्लर जो देखा ना, जैसे पार्क घूमने आए तो वो बोले मेरे बहू का ही पार्लर है ये जो देख रहे हो, तो ये सब चीज़ सीना तान के, सभी सीना तान के बोलते हैं आज, इतने रिलेटिव्स हैं हमारे सारे सीना तान के कि हमारे खानदान में हमारी बहू ने नाम रोशन किया है। उषा जी आप बहुत सारे सोशल विंग से भी जुड़े हुई है, आपने एक खुद का अपना एक हम कदम तो उन सब के बारे में भी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त जानकारी जी।
मैं कई संस्थाओं से जुड़ी, जैसे गूंज है, हमारा शमी है और व्यापार मंडल है, और मैंने इन सब जुड़ी और भी कई संस्थाओं से जुड़ी। तो जुड़ने के बाद में कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज हट कर जाती है, तो मुझे जब हट कर गई तो मैंने अपनी खुद की संस्था बना डाली। अच्छा, जिन संस्था जुड़ी थी वहाँ आपको? मैंने सब वाइंड अप करके मैंने अपनी खुद की जब संस्था बनाई, उसका किस नाम से? हम कदम संस्था रखी मैंने। हम कदम मतलब कदम इसलिए रखा क्योंकि मैं कदम से कदम मिला करके चलूंगी, साथ लेकर के चलूंगी। दूसरा, हमारे जो क्या कहते हैं दिव्यांग जो बच्चे हैं, मेन मोटो हमारा दिव्यांग बच्चों का, और वो जो नीडी बच्चे, एक्चुअल नीडी बच्चे हैं, उनको हमें एजुकेशन में मदद करना, मेरा ये काम था कि मदद करेंगे जो नीडी हैं भाई, बहुत ज्यादा गरीब है, हम समझ लेते हैं कि इस तरह के हैं, तो उनकी हमको मदद करना है, यही हमारा मोटो था। फालतू का हमको काम नहीं करना था, बस इनमें हमें किसी को दिखावा। तो इसमें इस विंग में आपके सिलेक्टेड जो भी आपके सहयोगी होंगी, महिलाएं ही होंगी शायद? सारी महिलाएं हैं। हाँ। इसमें कोई मेल पुरुष नहीं, हमारे पास सारी महिलाएं हैं, महिला विंग, और हम लोग इसमें दिव्यांग बच्चों बहुत सारा काम करके भी आए, जो हमारे आशा स्कूल है उसमें भी किया, कई बच्चों की शादी भी कराई मैंने अपने हम कदम संस्था से, और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो हमारे कदम से कदम मिला करके चलती हैं। जी, जैसा कि मुझे मालूम है आपके बारे में थोड़ा सा, कि आपने कैदियों के लिए जेल में जाकर भी महिलाओं को सौंदर्य का ज्ञान बांटा है। जी हाँ, वहाँ पे आदित्य सर ने बुलाया था मुझे कि हमारी कैदी महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए। जब मैं वहाँ जेल के अंदर जैसे पहुंची तो मैं मुझे इतना धक से हुआ कि मैंने कहाँ आ गई, और मुझे ऐसे घूर घूर के वो देखे कि ये यहाँ पे मतलब कैसे आ गई, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं, मुझे नहीं सीखना है ब्यूटी व्यूटी का कुछ नहीं। मतलब दो दिन तो हमारे ऐसे खराब हुए, उनको मानने में लग गया कि हाँ आपको कैसे हमको सिखाना है, कैसे डील करना है। तो उनकी ही भाषा में उनको है ना ढोलक बजाना बड़ा पसंद था, और घुंगरू और मजीरे सब था वहाँ पे अंदर, तो उनके ही माहौल में बैठ करके उनके साथ जैसा बन के, बिल्कुल उनके जैसा ही बनी, उसी माहौल में फिर उनको सिखाना स्टार्ट किया। फिर तो एक महिला भी नहीं रहती थी, दीदी आ गई मुझे सीखना है, दीदी आ गई बड़े मतलब ध्यान से और बहुत अच्छा सिखा करके ट्रेनिंग दे करके आई कि ये लोग महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो ये अपने आप को सजना संवरना अपने अंदर कि एड़ियां फट जाती हैं और ध्यान नहीं दे पाते, बिल्कुल। तो छोटा छोटा वही किचन के आइटम से कि बाहरी आइटम इनको नहीं मिलेगा, वही जो उनको किचन के आइटम से उनमें सिखा करके मैं आई, वो आज बड़े खुश हैं। जी, जैसा कि फिर मुझे मालूम है कि आपने कुछ फौजी पत्नियों को, जो फौज से रिलेटेड लोग हैं, आपने उन महिलाओं को भी सौंदर्य की शिक्षा दी है। जी, फौजी महिलाओं को तो मैंने बहुत, बबीना में भी मैंने एक एक लॉट में 250-250 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, और वो एक जो 1.5-2 घंटे का जो पीरियड होता था, 2 घंटे में उनको 100% सेटिस्फाई करके आती थी, और मेरे को आज भी कॉल करके पूछते मैडम वो चीज बताई थी ना, वो बहुत अच्छी बताई थी। और झांसी में भी बहुत बार हमने सेमिनार वर्कशॉप इन लोगों के लिए मैंने मतलब पूरा दिया और सिखाया। फौजी में कुछ ऐसे जो फैमिलीज हैं जो बाहर चले जाते हैं, बेचारी महिलाएं अकेले रह जाती हैं, उन महिलाओं को मैंने जब मैंने बोला फौज में कि मैं इन लोगों को निशुल्क ट्रेनिंग दूंगी क्योंकि वो देश के लिए अपना सीना ताने खड़े हुए हैं, तो मैं उनसे पैसा नहीं लूंगी मैडम, तो मैडम ने बोला कि नहीं, एक थोड़ा सा अमाउंट लो, ज्यादा नहीं, 100 रुपए दो, टोकन मनी लो, उसके बाद इनको ट्रेनिंग देना, उसकी अहमियत रहती है। तो मैंने कहा जैसा आपको लगे। हमने फैमिली तो छोड़िए, मैंने ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दे करके 100% सेटिस्फाई किया, चाहे जीओसी क्यों ना हो, वहाँ का डिप्टी जीओसी, जीओसी कोर कमांडर, हर ब्रिगेडियर सबको मैंने ट्रेनिंग दिया वहाँ पे फौज में रहकर। और मेरा बड़ा डिमांड रहता है कि उषा आएगी तो ट्रेनिंग जरूर देगी। उषा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी आप बता रहे थे बातचीत के दौरान कि आप अभी पेरिस जाने वाली है, उस घटनाक्रम को बताइए क्या है। मैडम ने जो है ना मुझे, मैडम बोले तो मैडम उन्नति सिंह जो गुरु है हमारी, तो ये पार्लर का जब ओपनिंग हुआ तो उस दौरान बोले कि उषा तुमको और एजुकेटेड होने की जरूरत है, जिसको बच्चों को आगे तुम एजुकेट हायर कर टेक्नोलॉजी को लेकर, नया टेक्नोलॉजी लेकर के तुमको आना है। तो उसमें अब वो ट्रेनिंग जो है ना, मेकअप है, हेयर ट्रीटमेंट है सारा, तो जो डिमांड है क्लाइंट को नहीं मिल पा रहा है, वो नया टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने पेरिस के लिए मुझे
वो किया हुआ है। अब मैं 16 फरवरी में इंदौर जाऊंगी, तब वो डेट फाइनल हो जाएगी कि मुझे कौन सी डेट में पेरिस जाना है। और मुझे इतना खुशी है कि हमारे गुरु ने मुझे इस लायक समझा कि इतना बड़ा ट्रेनिंग मुझे दिया कि वहां जाकर के मुझे ट्रेनिंग लेना है। खुशी का कोई वो नहीं है संभाग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि बुंदेलखंड की तरफ से आपका प्रतिनिधित्व वहां होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हमको इस लायक बनाया जो आज हमारा चमक चांदनी जितना भी है। तो मेरी गुरु जो उन्नति सिंह जी हैं, उनका पीछे से सपोर्ट मेरा 100% और आज भी उनका ही सपोर्ट है जो मैं इतना आज आगे बढ़ रही हूँ। उषा जी, आपने इतना सब कुछ किया जी, निश्चित है लोग आपसे तपते होंगे, तकलीफ होती होगी, तो मुश्किलें कहाँ कहाँ हैं आपके साथ? मुश्किलों का तो दौर ये है कि देखिए, कोई भी अच्छा काम करता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। और बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि एक कहावत है, बड़ी बड़ी लोकप्रिय कहावत है कि महिला महिला की दुश्मन। तो ऐसी आपको मुश्किलों का सामना महिलाओं की तरफ से? नहीं, मुश्किलों का सामना तो मुझे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि मैंने उतना ही बोला है कि लोग मुझे कुछ कह नहीं पाए। और हमारे साथ कटाक्ष करने की कोशिश तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उसके लिए बोलना ठीक नहीं है। उनको माफ कर दिया? नहीं, माफ क्या, मैं गुस्सा ही नहीं आती। ठीक है, उन्होंने किया है तो ईश्वर है, और मैं जो करूंगी तो मेरे लिए भी ईश्वर है। बस ये चीज है, लोगों को बस यही कहते हैं कि लोग इस तरह के अगर सोच बनाए तो बेकार है। महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आगे से आगे पॉजिटिव अगर रहते हो तो ईश्वर भी आपको उसी पॉजिटिव वे में आगे के लिए रास्ता खोल देता है। बस मिश्रा जी, आपने अब तक लगभग कितने लोगों को रोजगार परक बनाया? क्योंकि ये ज्यादातर प्रोफेशन बेटियों और महिलाओं से संबंधित है। देखिए, प्रोफेशनल बोले तो जो हमारे पार्लर रन कर रहे हैं लोग, यहाँ भी रन कर रहे हैं झांसी में। कितनी शाखाएं हैं आपकी? शाखाएं मेरी पूरे मेरे, एक तो मेरी फ्रेंचाइजी चल रही है और 3 हमारी शाखाएं हो गई। तो इसमें इसके दौरान हमने जितना भी ट्रेनिंग दिया है लोगों को, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो दिया है मैंने, तो वो कम से कम 1000 तो होगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके बाद जो मैंने सिखाया तो कम से कम 8-10 हजार लोग तो मेरे से सीख करके जा चुके हैं। जो हमारे कलकत्ता भी जाके जा चुके, बिहार भी जा चुके, बिहार में भी ओपन मेरा पार्लर हो गया। और बाकी यहाँ पे तो बुंदेलखंड में तो है ही है, हमीरपुर भी है, महोबा भी है, हमारा कानपुर से भी लोग सीखने आए, आपका ललितपुर है, मतलब पूरी जगह से ही हमारे पास ब्यूटिशियन ट्रेनिंग के लिए आती है। और मैंने ये सोच के भी रखा है कि जैसे ट्रेनिंग लेके भी गए, बहुत सारी ब्यूटिशियन छोटे छोटे पार्लर बना रखे बेचारे, वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं बट उनके पास पैसा इतना नहीं होता है क्योंकि पार्लर चला नहीं पा रहे इतना। तो मैंने उनके लिए सोचा है कि अब मैंने 25 साल पार्लर रन कर लिया है, उन ब्यूटिशियन को मैं आगे बढ़ाऊंगी बहुत छोटा सा टोकन मनी लेकर के। अगर मेरे पास ब्यूटिशियन आती है तो मैं उनको बहुत आगे बढ़ा दूंगी कि तुम सीखो, अब तुम नाम कमाओ, मैंने बहुत कर लिया, तुम्हारा भी इनका, इनको भी लगता है कि मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, पैसा नहीं है, उनको मैं सिखाऊंगी कि उनके पास पैसा नहीं, मैं सिखाऊंगी। मतलब ये है कि अब आप बुंदेलखंड की ब्यूटी गुरु बनने की ओर बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी आगे बढ़े बेचारे, जो छोटे छोटे पार्लर रन कर रहे हैं वो भी आगे बढ़े, और जहाँ भी उनको खोलना है, छोटे छोटे टाउनशिप में भी खोलना चाह रहे हैं वो लोग, जितना भी काम कर रहे हैं वो वेल एजुकेटेड बन करके ही काम करेंगे तो तरक्की उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे धर्रा वाला काम करेंगे तो शायद धीरे धीरे उनको धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे एकदम से जंप लगाएंगे। 2023 शुरू हो गया है, चल रहा है जी, क्या नए आप, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को चौंका देंगे? अब मेरा प्रोजेक्ट जो अब मैं सीख करके आऊंगी 2023 में, तो चौंकाने वाला कुछ सीख के, बहुत कुछ नया सीख करके, मेरे बाहर जाने का मतलब, पेरिस जाने का मतलब ही यही है कि मैं बहुत कुछ नया सीख करके आऊंगी, नया कि लोगों को लगे कि नहीं हाँ मैंने उनके यहाँ काम कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही यही हमारे लिए, और ये हमारे क्लाइंट हमको बोलेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी कि मैंने कुछ दिया हमको। उषा जी, आपको कविता लिखने पढ़ने और बोलने का शौक है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ कोई पंक्तियां आप अपनी शेयर करें। मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक है, जो हमारे जीवन से भी कुछ मैच कर रहा था, और वो कविता मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत पसंद है और मैं एक दो बार तो मैं उसको जरूर बोलती हूँ। मैंने सीखा है, वो लिखा है मैंने
कि हमने तो टूट करके ही मुस्कराना सीखा है, हमने तो टूट करके ही मुस्कराना सीखा है, बहुत खूबसूरती से अपने गम को छुपाना सीखा है। दुनिया समझती है हमें दर्द नहीं होता, वो क्या जाने कि हमने पत्थरों से सर टकराना सीखा है। क्या बात है जी। तो इस तरह का हमने जो है ना, हमने वाकई में पत्थरों से ही टकरा करके ही आज जो हम स्टैंड इतना हो गए। तो मैंने बहुत जिंदगी में टकरा टकरा करके संघर्ष के बाद बहुत संघर्ष किया मैंने अपने जीवन में, और संघर्ष के दौरान आज हमको ये है कि लोग भी जान रहे हैं, हमने सब चीज आपके सामने है जो भी है। उषा जी, मेरे मन में एक सवाल आया कि आमतौर पे न्यूट्रिशियन जो होती है वो उसमें लिखा रहता है महिलाएं ही अंदर आ सकती है, महिलाओं को सजाने का अधिकार आप लोगों ने पा रखा है जी। अगर कभी कैसा हुआ कि आपके पास कोई पुरुष आया हो और उसने अपनी इच्छा जाहिर की हो कि हमको भी सजना संवारना है? देखिए, सौंदर्य की दुनिया में ऐसा नहीं है कि पुरुषों को सजना मना है, बट जो लिखते हैं ना ओनली फॉर लेडीज, हम लोग कई बार जैसे बच्चे होते हैं, दूल्हे आ जाते हैं, दुल्हन हमारे बहुत करीब होती है तो दूल्हे भी आ जाते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है तुम आ जाने बेटा, हम तुमको तैयार कर देंगे जल्दी से। तो मैं दूल्हे को ऐसे, जैसे हमारी बहुत करीबी है तो मैंने दूल्हा भी तैयार किया है, और कई हमारे वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना बाहर जाते हैं, मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग तो मॉडलिंग में हमारे मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो वहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों का ही मेकअप हमको करना रहता है। मुंबई में भी जाकर के हम करते हैं और इंदौर में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें सिर्फ फिंगर टिप्स से काम करना रहता है। जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग जब वर्किंग करते हैं ना, तो जिस प्लेस में वर्किंग करते हैं बस उसका ही दिमाग रहता है कि भाई फेस में मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप ही मेकअप दिमाग चलता है, बाकी किसी में मतलब ये है कि पुरुषों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उषा जी, मंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बुंदेलखंड में कोनों कोनों में जाकर लोगों की प्रतिभाओं को ढूंढ रहा है और उनको जोड़ रहा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से कोई ऐसा सुंदर सा संदेश दें। दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने आप को, टैलेंट हर एक महिला में होता है, बट अपने टैलेंट को ऐसे निखारें कि किसी बात को ठाने, जैसे मैंने ठाना कि मुझे पार्लर डालना ही है, या कुछ भी जो भी काम करने के लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी उनका इंटरेस्ट हो, खाना बनाने का, मतलब मैंने ठाना है कि मुझे करना है, तो जब जो कोई ठान लेता है वाइब्रेंट भी वैसे ही मिलते हैं और वो काम हो के रहता है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो ये करके देख सकता है। मैं महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि घर बैठने से कोई फायदा नहीं, ऐसी महंगाई के दौर पे कंधे से कंधा मिला करके चले तो अच्छा है, और अपने वजूद को ठान लें कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, तो उनका काम आसानी से हो जाएगा जी। तो ये थी उषा सचान, जो अब और नई शिक्षा पाने के लिए बहुत जल्दी पेरिस जाने को तैयार है। उषा जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।